didn't even get to cross. सो व्हाट्स अप एवरीवन गाइस, आई एम सीरियस गाइस, नया सीज़न आ गया है तो देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। देखते हैं, गार्ड्स इस बार बूस्टेड हैं जो कि बहुत सही हुआ। पता नहीं गाइस, गार्ड्स मैंने लास्ट सीज़न में बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी गार्ड्स बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। और गाइस, फ्री इमोट, फ्री लेजेंडरी इमोट, वी हैव टू बाय दिस इमोट। Come on, do it now. We want this emote. We get that emote, guys. Free 1500 gold. And nothing else, guys. Emotes. Free mila hai, guys. Ek emote. I can't tell you. Main kitna khush hu, guys. Ye emote. Bahut sahi hua hai, guys. Emote mil gaya. To chaliye dekhte hain ab aage. Claim kar lete hain hamara gold. और ये सीज़न में इस बार कैसा है, गार्ड्स के फेस के मास्क जैसा है ये, और इमोट कौन सा आया इस बार, डूबता हुआ हाथ गॉब्लिन का, थोड़ा हंसने वाला इमोट है गाइस ये। तो गाइस देखते हैं इवेंट कौन कौन से चले हैं। देखते हैं, गार्ड्स का इमोट है ये, ग्रेव गार्ड्स, और इसमें एक लेजेंडरी है, लेजेंडरी कार्ड तो नहीं कह सकते, कार्ड ही कहिए, लेकिन एक चेस्ट है, हम इसको लेजेंडरी चेस्ट या लेजेंडरी कार्ड भी कह सकते हैं गाइस, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कार्ड ही कहना चाहिए, क्योंकि मिलता क्या है इसमें, एक कार्ड ही तो मिलता है लेजेंडरी, तो लेजेंडरी कार्ड ही कहना चाहिए इसे भी। तो ये तो बात बेकार की हो गई। तो अब देखते हैं आगे क्या आया है, क्लैन में देखता हूँ गाइस। फाइनल पहली वॉर ख़त्म हो गई पहली वीक की, और हम 50,000 पे सेकंड रैंक पे आए, और वीक टू रिवर रेस की स्टार्ट हो गई है। नाइस, सो देख लेते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 4,508 ट्रॉफीज गाइस, बस एक विक्ट्री और लेजेंडरी चेस्ट मिल जाएगा हमें। गार्ड्स ही चुनने हैं गाइस, गार्ड्स ही लेंगे हम। तो गाइस ये तो बात हो गई इस सीज़न की, और अब बात करते हैं गिव अवे की जो मेरे चैनल पे हुआ था। गाइस हम ने कहा था अगर मेरे 8 सितंबर तक 500 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं 4 पास रॉयल दूंगा, लेकिन गाइस हम 500 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसलिए अब सिर्फ एक ही पास रॉयल का गिव अवे है, और वो पास रॉयल मिलता है गाइस उसको जिसने कमेंट किया है, उसका नाम है गाइस 1 2 3, उसका नाम है यहाँ पे रोमन। कॉन्ग्रेट्स रोमन, यू हैव वॉन द पास रॉयल। रोमन, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे को अपना DM कर दीजिए और मैं आपको आपका पास रॉयल की पूरी इंफॉर्मेशन दे दूँगा। और गाइस 4 पास रॉयल की मैंने कहा था वो, लेकिन गाइस मैंने आप पूरी वीडियो में पूरा बताया था कि अगर हमारे 8 सितंबर तक 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम 4 पास रॉयल का गिव अवे करेंगे, लेकिन गाइस हम 500 सब्सक्राइबर नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए सिर्फ एक ही पास रॉयल मिला है, वो है रोमन को। कॉन्ग्रेट्स रोमन वंस अगेन। सो गाइस चलते हैं सीज़न की तरफ और अपना पहला मैच खेलते हैं। हम जो डेक यूज़ करेंगे गाइस वो हम इस बार करेंगे स्पार्की जाइंट डेक, और गाइस हम चलते हैं अपने पहले बैटल पे। और गाइस अगर हम ये मैच जीत गए तो लेजेंडरी चेस्ट मिलेगा हमें स्टार्टिंग में ही। इट्स लेवल 11 वर्सेस लेवल 9, सो मे बी वी कैन विन दिस मैच। सो आई एम गोइंग टू पुट माई स्पार्की इन द वेरी बैक। गाइस आपने ये इमोट, मैं भी करूँगा गाइस, और मेरे पे तो बहुत सारे इमोट्स हैं, मैं तो बहुत सारे इमोट्स करूँगा शो। विच कर रहा गाइस, हम पॉइजन करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू देगी हमें। यस, बैंग बैंग गाइस, स्पार्की इज टू OP। आई एम गोइंग टू डिप्लॉय माय इलेक्ट्रो विज़र्ड, परफेक्ट।
Electro Wizard will going to connect and going to give a lots of damage. Yes guys, Electro Wizard connect कर गया है और आगे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना giant कर दूँ Dark Prince giant, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने स्पार्की कर दिया, तो गाइज मैं यहाँ पे पीछे से डार्क प्रिंस छोड़ता हूँ इधर और जैप विल बी नाइस। यस गाइज ये वर्क कर गई हमारी स्ट्रेटजी। यस गाइज आई एम दी बेस्ट, उसका पुश हो गया वेस्ट। गाइज अब है हमारी बारी, ये मैच अब अपना हम अपने सारे इमोट्स कर देंगे गाइज, सब लिमिटेड इमोट्स, लिमिटेड जस्ट लाइक ओजे गाइस, लिमिटेड गाइस कैसे बोलता है ओजे, लिमिटेड गाइस पता नहीं कैसे बोलता गाइस, नहीं बोल पा रहा मैं बिकॉज इट्स लिमिटेड कुछ ऐसे। मिनी पैका कनेक्शन, दिस इज ऑसम। ओप्स ओप्स गाइस दिस इज नॉट लुकिंग ग्रेट, क्यों बहुत ही मुझे लग रहा है गड़बड़ हो सकती है। वी हैव टू पुट द जैप, हाँ थैंक गॉड डार्क प्रिंस कैन नॉट गेट ए सिंगल शॉट। गाइज स्पार्की तो मैं सोच रहा हूँ पॉइजन कर दूँ, वैल्यू दिस इज व्हाट वी कॉल वैल्यू। गाइज हम अपनी स्पार्की पीछे से छोड़ेंगे, मेरे पे इलेक्ट्रो ड्रैग विजर्ड है तो मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कहीं उसको यही तो नहीं चाहिए था। मेरे पे मेगा मिनियन है, मुझे मेगा मिनियन नहीं छोड़ना है। यस गाइस उसके सब प्लान वेस्ट हो गए और अब अपनी बारी, दिस इज इट दिस इज इट दिस इज इट, दिस गेम इज ओवर। आई एम गोइंग टू पुट द इलेक्ट्रो विजर्ड ऑन दिस साइड। गाइस उसने सोचा कि वो मेरे को रोक पाएगा लेकिन नहीं, और ये मैच हम जीत गए जस्ट लाइक दैट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द लेजेंडरी चेस्ट, नाइस। सो लेट्स कलेक्ट दिस लेजेंडरी चेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, क्या मिलेगा गाइस। लेजेंडरी बैंडिट, बैंडेड दो बैंडेड हो गए गाइस मेरे पे, अब तो ट्रेड करेंगे हम, जब तक हम एक वॉर में देख लेते हैं कोई अटैक करना है कि नहीं। किसी की बोर्ड पे अटैक करते हैं गाइस इस बार, देख लेते हैं वैसे किसी की बोर्ड पहले से ही डैमेज हो तो, अभी तक तो नहीं हुई है गाइस, हमारा क्लैन सबसे आगे चल रहा है तो एक यही मैच खेल लेते हैं। इस वाई डेक को यूज़ करता हूँ गाइस, पता नहीं वाई डेक काम करेगी कि नहीं, ज़्यादा मैंने खेला नहीं है इस डेक से, ये तो मैंने उसके रिकमेंडेशंस में आया था ऐसी डेक तो मैंने कर ली। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग सम चिप डैमेज, क्योंकि गाइस चिप डैमेज देना ज़रूरी है क्योंकि इसके पास मेरे से ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इसका फ्लाइंग मशीन कनेक्शन बट माइनर ने डैमेज दिया है गाइस। हमें बाबियन हर्ट रखनी चाहिए इस तरफ, यस परफेक्ट, जायंट को हम टोटली काउंटर कर लेंगे और बाबियन स्पॉन होंगे हम उनको बेबी ड्रैगन से, यस बेबी ड्रैगन से करेंगे हम उनको सपोर्ट, लेकिन हमें इस तरफ करना चाहिए। मैं लाइटनिंग कर सकता हूँ लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ वल्करी को छोड़ूं, अब लाइटनिंग ही करनी पड़ेगी गाइस। यस 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 सिक्स फॉर मे बी सिक्स फॉर नाइन एलिक्सर, नॉट अ बिग डील। सो आई एम गोइंग विद द बलून एंड आई स्पिरिट दिस टाइम guys, maybe this is it, this push can give him a lot damage. Balloon tanking for the Valkyrie, balloon short connection, this is equalizer,
गाइस हमने ज़्यादा डैमेज दे दिया, यही उसने जैसे ही माइनर रखा मैं समझ गया कि इस बार तो ये पुश काम कर गया गाइस। ये सही हुआ वैसे। अब हम देखते हैं, हम बाबेनर हट रख देता हूँ मैं क्योंकि उस पर जाइंट है, वो जाइंट विच ऐसा ही कुछ करने वाला है। तो लेट्स गो विद आर एरोज हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक आउट दिस फायर क्रैकर फर्स्ट। नाउ द बेबी ड्रैगन एंड द फ्लाइंग मशीन फॉर दिस माइनर हियर। बलून विल बी इन रोटेशन सो वी आर डूइंग ए बिग एयर पुश। इट्स लुक लाइक ही हैव नथिंग फॉर दीज ट्रूप्स। यस ही हैव नथिंग, वी हैव गेट दैट टार, वी हैव गेट दैट टार। यस गाइज आई थिंक वी हैव डन इट, ओनली फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट, मे बी वी हैव वॉन दिस। आई विल गो विद द बेबी ड्रैगन इज स्टिल अलाइव, आई एम गोइंग टू यूज द लाइटनिंग, दिस इज इट, वी विन, नो वन कैन बीट्स मी व्हेन आई एम ऑन माय फुल स्ट्रेटजी। पता नहीं मैंने कैसे बोला, क्या बोला, क्यों बोला, लेकिन हम ये मैच जीत गए हैं और 162 हमने फेम कलेक्ट कर लिया है जो कि बहुत ही सही है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं, हम देखते हैं कौन सा ट्रिपल ड्राफ्ट चल रहा है, एक ट्रिपल ड्राफ्ट और मैच खेलते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, रोमन मेरी लिंक आपको इंस्टाग्राम का नाम मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस उस पर बारबेरियंस और ये सब ज़्यादा हैं तो मैं एक बिल्डिंग लेना चाहूँगा, फंडेंस मुझे लगता है सही होगी, एरोज इज दी बेस्ट। गाइस अब एवरेज एलेक्सा कॉस्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये सही हुआ। फॉर टैंक बस्टर आई लाइक टू गो विद द प्रिंस। बिग स्पेल इन द ऑप्शन ऑफ बिग स्पेल आई रियली वॉन्ट रॉकेट गाइस, उस पर पता नहीं मुझे उस पर क्या क्या आया ऑप्शन। मे बी टू लोअर डाउन द एवरेज एलेक्सा कॉस्ट मैं मस्किटियर के साथ जाना चाहूँगा। और यहाँ पे रॉयल जाइंट और रैम राइडर दो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है मेरे पे। मेरे पे प्रिंस है तो मैं रॉयल जाइंट लेता हूँ। अब मुझे अपने एवरेज एलेक्सा कॉस्ट डाउन करने के लिए थोड़े लो एलेक्सा लेने पड़ेंगे, स्केटन्स एंड प्रिंसेस विल बी मच मोर इफेक्टिव। और गाइस 4 पॉइंट की एलेक्सर की हमने डेक बनाई है, मुझे लगता है ये डेक काम करेगी। मैं फंडेंस और रॉयल जेंट सोच रहा था लेकिन उसने लावा हाउंड रख दिया तो अब हम फंडेंस को रख देते हैं। उसके आइटम्स पीछे करते हैं हम डिप्लॉय, यहाँ पे हम अपनी प्रिंसेस, उसने लॉग रख दिया इसका मतलब हमारी प्रिंसेस पे कोई ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे मुझे रखना ही पड़ेगा नहीं तो मैजिक आर्चर बहुत डैमेज दे जाएगी। लेट्स सी कैन आर प्रिंस गेट अ शॉट। यस गाइस दिस इज ऑसम, आर प्रिंस इज स्टिल कनेक्टेड टू द टार एंड प्रिंस हैज डन ए वेरी ग्रेट जॉब। वी आर अगेन गोइंग विद द फर्नेंस, ही वेस्टेड द लाइटनिंग, ओ माय गॉड गाइस Maybe this is it. We are going to win this match. No, Magic Archer cannot stop the Royal Giant. Yes, guys, Royal Giant, वो टार को ले गया. Yes, guys, this is awesome. Our strategy works so nicely. Now I am going with the arrows. And a princess on the other lane. Musketeer just right down. I want prince. Yes. Maybe. Guys, उसने magic archer रख दिया और अभी double XL नहीं हुआ. Yes, guys, बहुत ज़्यादा damage होने वाला है इसको उस type पे. और मुझ पर इसके items हैं जो कि बहुत सही काम करेंगे magic archer को रोकने के लिए. मैजिक आर्चर ने दो शॉट कनेक्ट किए।
विच इज़ नॉट इनफ. वी आर गोइंग टू विन दिस मैच. लाइटनिंग, वेस्टेड लाइटनिंग. आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू. गाइस एक टार के लिए वो क्या चाह रहा है गाइस, ये प्लेयर मुझे नहीं पता. लेकिन हम ये मैच जीत गए, 3 crown victory. मैं रॉकेट डाल के मैच को जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ. जीत गए हम ये मैच. अपने सारे इमोट्स को हम स्पॉन कर देते हैं और जस्ट लाइक डैट वी विन इट. ओके, वी कैन क्लेम आवर रिवॉर्ड नाउ. गोल्ड जेम्स, यू वांट दी जेम्स. गाइस जो चैलेंज चल रहा है गार्ड्स का, उसके लिए बेस्ट टैक है ये 3.3 गॉबलिन बैरल वल्करी डैक. बेस्ट टैक फॉर दिस चैलेंज गाइस, यू मस्ट ट्राई दिस डैक अगर आपने अभी तक वो चैलेंज नहीं खेला है. और गाइस ये थी वीडियो, गिव अवे के रिजल्ट्स किए मैंने और हमने एक लेजेंडरी चेस्ट खोला. तो आपको होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप और नई और फ्रेश वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएँ. तब तक के लिए गाइस बाय, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में.